नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। एक बड़ी और अहम खबर आ रही है दौसा ज़िले से। दरअसल दौसा ज़िले के सिकराय तहसील का ये मामला है और सिकराय तहसील के अंतर्गत आने वाले ईंट का गांव का ये पूरा वाक्या है। दरअसल कहानी और बात ये है कि दो बेटों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता ने उनके हिस्से की ज़मीन अपने जो भाई है, तीसरा भाई है, उसके बेटे के नाम कर दी। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल एक पिता ने, उसके तीन पुत्र हैं और अक्सर देखा जाता है कि पिता की जो संपत्ति होती है उसमें सभी का पूर्ण रूप से एक समान अधिकार होता है, एक समान उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। लेकिन यहाँ पर दो भाइयों का आरोप है कि उनके जो पिता हैं उन्होंने उनके साथ धोखा किया है और सारी की सारी जो ज़मीन उनके हिस्से आने वाली थी, उनके हिस्से जो ज़मीन आती है, उसको अपने एक बेटे के पुत्र के नाम करवा दी है। अब इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जो पीड़ित हैं, यानी कि जो दो भाई हैं जिनके साथ ये पूरा धोखा हुआ है, वो इस मामले को लेकर सिकराय एसडीएम कोर्ट पहुंचे और वहां पर एसडीएम को अपनी आपबीती बताई कि उनके साथ क्या हुआ है। चार दिन से भूखे प्यासे वो शख्स जब एसडीएम के पास पहुंचे तो वो रोने लग गए और उनके अंदर जो दर्द था वो दर्द उन्होंने एसडीएम के सामने अपना बांटा सुनवाया। उनका कहना था कि वो तीन भाई हैं और तीनों भाइयों के पास लगभग 10 से 12 बीघा ज़मीन है, जिसमें तीनों भाइयों के बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन बड़े भाई ने उनके साथ छल कपट किया है। उस भाई ने अपने पिता के ऊपर किसी तरह से दबाव डालकर उस जो ज़मीन है, उस ज़मीन को अपने ही पुत्र के नाम करवा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जो बुजुर्ग हैं, यानी कि इन लोगों के जो पिता हैं, उनके ऊपर किसी बात को लेकर दबाव डाला गया और उस दबाव के चलते उस पिता ने वो सारी ज़मीन अपने उस बेटे के पुत्र के नाम कर दी, यानी कि अपने पोते के नाम कर दी। ऐसे में हालत ये हो गई है कि बाकी जो दो शख्स हैं, दो भाई हैं, वो बेघर हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं, उनके पास खाने को, रहने को और काम करने को कुछ नहीं बचा है। तो देखिए कितना ये दर्दनाक वाक्या है कि एक पिता, यानी कि एक ही बेल से जुड़े हुए तीन लोग और उन तीनों के साथ एक पिता किस तरह से धोखेबाजी करता है। एक बेटे के दबाव के चलते वो सारी की सारी ज़मीन उस बेटे के नाम करवा देता है, उसके पुत्र के नाम करवा देता है और जो दो दूसरे बेटे जो बचते हैं उनको कुछ भी हिस्सेदारी उस संपत्ति में, उस ज़मीन में नहीं देता है। वास्तव में ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक बाप की जो जितनी संपत्ति होती है उसमें सभी औलादों की बराबर की हिस्सेदारी होती है, यहाँ तक कि लड़कियों की भी। लेकिन लड़कियां जब ससुराल चली जाती है तो वो जो अपने हिस्से की ज़मीन जो उनके हिस्से में आती है, अक्सर 95% लड़कियां अपने भाइयों के नाम वो ज़मीन करवा देती है, यानी कि वो एक टुकड़ा मायके से ज़मीन का नहीं लेकर जाती है। लेकिन यहाँ तो भाई ने ही अपने दो भाइयों को बेघर कर दिया है। अब इस खास रिपोर्ट के अंदर हम ये सब चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सा दबाव था जिसके चलते उस बुजुर्ग ने अपने बेटे के दबाव में आकर वो सारी की सारी ज़मीन एक पुत्र के नाम कर दी और दो को बेघर कर दिया। ये अगली रिपोर्ट में हम इसका खुलासा करेंगे और ये भी गौर करने वाली बात होगी कि कोर्ट, एसडीएम कोर्ट कितना सहारा, कितना साथ इन लोगों का देता है, क्योंकि पूरे फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस काम को करवाया गया है। ऐसे ज़मीन नाम नहीं होती किसी एक शख्स के, क्योंकि जब उस ज़मीन में सभी की हिस्सेदारी है तो आप अकेले किसी एक शख्स के या एक बेटे के नाम नहीं करवा सकते हैं, इसमें फर्जी दस्तावेज का भी उपयोग हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को कि ये कड़ियाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ तक इसके लिंक है, कहाँ तक इसकी जड़ें हैं, इसका खुलासा हम अपनी अगली रिपोर्ट में करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जो दो भाई हैं इनको हम अपनी तरफ से न्याय दिलवाने की पूरी पूरी
कोशिश करेंगे और जो भी षड्यंत्र रचा गया है उस षड्यंत्र का खुलासा करने की भी कोशिश करेंगे हमारे अगले एपिसोड में, अगली खबर में, अगली जो हमारी रिपोर्ट होगी उसमें हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर गांव देहात के अंदर जहां पर सब प्रेम भाव से रहते हैं, सब खुशी खुशी रहते हैं, सब हर किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अक्सर शहरों में इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद देखा जाता है लेकिन गाँव देहात में इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती है। तो ये क्यों हुआ, किसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, कौन कौन इसमें शामिल है, इन तमाम चीज़ों का खुलासा हम अपनी अगली रिपोर्ट में करेंगे। अब आपको सुनवाते हैं इन लोगों की आप बीती कि इनके साथ क्या क्या हुआ, तो आप पहले जरा इनको गौर से सुनिए। हाँ, क्या मामला है? परिवार की भूमि को पहले तो तीन बच्चे थे, उसने एक बच्चे का नाम रेड गिफ्ट करा के दो बच्चों को रोड पे ला दिया। अच्छा। उसके बाद संयुक्त खातेदारी में हमारी पर्सनल जमीन को भी उसने डेड गिफ्ट में करा दिया और ऊट पटांग दस्तावेज पेश करके एक एक जमीन को दो दो जगह बेसान भी कर दिया और डेड गिफ्ट भी करा दिया। किसने करवा दिया? गजानन पुत्र रामजीलाल। आपके क्या लगते हैं? वो हमारे परिवार में चाचा लगते हैं और ये दो बच्चे हैं सत्य प्रकाश और ये दोनों उसके लड़के हैं जिनको रोड पे ला दिया और एक बच्चे के पोते के नाम डेड गिफ्ट करवा दी जमीन। तो इसके पीछे कोई कारण? कारण ये बताते हैं कि हम जो हमको हमारी देख रेख नहीं करते हैं जबकि इनकी माँ खत्म हो गई और उन्होंने इन दोनों लड़कों ने ही उनका अब तक सेवा ससुरा की है लेकिन अब बीच में वो बड़ा बच्चा उसको गांव में ले गया और उसको घोड़ तेल में लेके और उससे ये सुपे से ये काम कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये इन बच्चों को न्याय मिले, इन बच्चों को न्याय मिले जिससे ना इनकी शादी हुई ना इनका कोई करके देने वाला है और न ही किसी प्रकार का इनका वो है इनसे भी। हाँ, आप बताओ क्या क्या मामला है, क्या दिक्कत आ रही है, बताइए, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, यहाँ देख के बोलिए, जोर से बोलिए। पिताजी ने हमको रोड पे निकला दिया। हाँ। जो बड़े वाले को दान पत्र कर दिया। हाँ। हमको जमीन को दिलानी चाहिए और जो भी संपत्ति है जो बड़े वाले पोते के। तो सुना आपने कि किस तरह ये लोग दुखी हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, चार पांच दिन से इन लोगों ने खाना नहीं खाया है जब से इनके हाथ से इनके इनकी हिस्सेदारी निकली है, इनकी ज़मीन इनके हाथ से गई है, ये लोग बेघर हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, तो कितना दुख इनकी बातों में है और ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और हम भी ये कोशिश करेंगे कि जहां संभव हो हम इन लोगों की मदद करें और ये जो पूरा षड्यंत्र इनके साथ हुआ है, रचा गया है, इसका भी हम खुलासा करें। तो अगली रिपोर्ट में वो तमाम खुलासे हम करेंगे लेकिन इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक ग्रामवासी तक, हर एक उस शख्स तक ये खबर पहुंचे जिसे ये जो दो बेटे जिनको बेघर किया गया है इनको साथ मिले, आप लोगों का साथ मिले और अगर कोर्ट के माध्यम से ये फैसला नहीं होता है तो कम से कम ग्राम पंचायतों के माध्यम से, लोगों के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से इस तरह के मामले को निपटाया जा सके ताकि इन जो दो भाइयों के साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिल सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।